वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द कैटलिस्ट रेडर पंकज। इस वाली वीडियो में मैं यूनाइटेड की क्लोविस साइकिल की सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या ये इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपको इस साइकिल सीरीज की तरफ जाना चाहिए? क्या ये यूनाइटेड ब्रांड इतना रिलायबल रहेगा? इस सारी चीजों के बारे में आपको इस वाली वीडियो में पता लगने वाला है। अगर ये वाली वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूंगा आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड अब आगे इस वाली वीडियो में बढ़ते हैं और इस वाली वीडियो में भाई दो वीडियो में आगे बढ़ने से ले गाइस, अगर आपको अमेज़न से कोई भी चीज परचेज करनी है, चाहे वो आपके घर का सामान हो या फिर साइकिल से रिलेटेड कोई चीज आपको परचेज करनी हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा अमेज़न का लिंक है, उस लिंक को प्लीज यूज कर लेना। तो गाइस, बेसिकली जो यूनाइटेड की क्लोविस सीरीज है इसके अंदर तीन मॉडल्स आते हैं, 3.10, 5.10 एंड 6.10। एंड इन सारे मॉडल्स के अंदर अलग अलग व्हील साइजेस के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। जैसे 3.1 है तो उसमें 27 इंचेस का एक मॉडल आएगा, उसी में ही 29 इंचेस का अलग मॉडल आएगा। 5.10 में भी है, बट 6.10 के अंदर सिर्फ आपको 29 इंचेस का व्हील साइज देखने को मिलेगा। ये सारी साइकिल्स चूज माई बाइसिकल की वेबसाइट में लिस्टेड है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इनकी जो सबसे चीपेस्ट साइकिल है ये है क्लोविस 3.10 एंड ये 46,000 रुपीज की आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसी का ही एक बड़ा वेरिएंट आता है जो कि 29 इंचेस के व्हील्स के साथ आता है। एंड इन दोनों में ही गाइस जो मेजर डिफरेंस है वो खाली व्हील साइज का ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो 29 इंचेस की व्हील साइज की साइकिल है उसका जो प्राइस है वो 200 रुपए ज्यादा है। जो व्हील साइज की चॉइस होगी ना वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग करना है आपको। तो सबसे पहले गाइस हम 3.10 की बात करने वाले हैं। थोड़ा नाम बेटर कर सकते थे अपनी साइकिल का, 3.10 और लगता है बोलने में। जैसे कि आप इसका फ्रेम देख सकते हैं, आपको एक क्रॉस कंट्री टाइप ऑफ फ्रेम ज्योमेट्री इस साइकिल में देखने को मिलेगी। इसमें जैसे कि लिख रखा है हाइड्रोफॉर्म्ड अलॉय फ्रेम। हाइड्रोफॉर्म्ड गाइस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आपका जो फ्रेम है ना उसमें वेल्डिंग नहीं करते हैं, उसको फ्रेम को हाई प्रेशर के अंदर रख के बेंट करा जाता है एंड फिर फ्रेम की ज्योमेट्री में उसको लाया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि जो रोड बाइक के हैंडल बार्स है ना उसमें मेजरली ये चीज को यूज करा जाता है, वेल्डिंग नहीं होती है, वो वन पीस में हैंडल बार आता है। आप इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं। इंटरनली रूटेड केबल्स देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगेन भाई इंटरनली रूटेड केबल्स किसी भी साइकिल के लिए एक प्लस पॉइंट ही रहता है। इससे आपकी साइकिल और ज्यादा क्लीन दिखती है, लुक्स वाइज काफी ज्यादा एस्थेटिक दिखती है आपकी साइकिल। एंड अब हम इसके सस्पेंशन फोक की बात करेंगे। इसमें गाइस आपको SR संतोर का 1CM वाला सस्पेंशन फोक देखने को मिलने वाला है एंड ये 120mm की ट्रैवल के साथ आता है। आई थिंक ये एक हाइड्रोलिक लॉकआउट सस्पेंशन फोक है, इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। इस साइकिल में गाइस आपको शिमानो के ही MT200 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर व्हील के ऊपर। इस साइकिल में गाइस आपको 740mm का हैंडल बार देखने को मिलेगा एंड डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसमें 60mm का आपको स्टेम देखने को मिलेगा। एंड अब हम बात करेंगे इसकी ड्राइव ट्रेन के बारे में। ये एक 18 स्पीड की ड्राइव ट्रेन के साथ आती है एंड इसमें फ्रंट एंड रियर जो डिरेलर होने वाला है इस शिमानो का अलिवियो रहने वाला है। फ्रंट में आपको 2 स्पीड का फ्रंट डिरेलर देखने मिलेगा। जो आरडी होने वाला है वो शिमानो अलिवियो का ही 9 स्पीड का आपको देखने मिलेगा। इसमें आपको शिमानो ऑल्टर्स के रैपिड फायर शिफ्टर्स देखने मिलेंगे जो कि 2x9 स्पीड वाले होने वाले हैं। एंड जो इसके मेरे को अच्छी चीज लगी वो इसके टायर्स हैं। इसमें आपको मैक्सिस के आर्डेंट वाले टायर देखने मिलेंगे। इसमें आपको गाइस कैसेट देखने मिलेगा जो कि 11-34 टीथ का होने वाला है एंड इसमें थ्रू एक्सल आपको देखने को मिलेगा फ्रंट एंड रियर व्हील पे, जो कि एक अच्छा पॉइंट है साइकिल के लिए। इसमें क्विक रिलीज नहीं आता है, थ्रू एक्सल एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है एंड ये महंगी साइकिल में ही आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर इस प्राइसिंग में इसके स्पेसिफिकेशन को आप देखा जाए तो ट्रैक की मार्लिन 6 एंड मार्लिन 5 के कंपैरिजन में आती है ये साइकिल। मरीन की बॉबकैट 3 से भी आप इस साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छी साइकिल है इसी प्राइसिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड की 5.10 के बारे में। इसका जो फ्रेम है वो अगेन आपको क्रॉस कंट्री टाइप ऑफ फ्रेम ज्योमेट्री के साथ देखने को मिलेगा। ये साइकिल भी 27.5 इंचेस एंड 29 इंचेस के व्हील साइज के साथ आती है एंड दोनों की व्हील साइज वाली साइकिल अलग अलग है, उनके अलग अलग कलर्स हैं। इस साइकिल के अंदर गाइस वेनम का एयर बूस्ट वाला आपको सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 120mm की ट्रैवल देखने को मिल जाएगी। वेनम ब्रांड मैंने पहली बार सुना है सस्पेंशन फोक्स के लिए। इसके बारे में गाइस मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मैंने इंडिया में इतनी ज्यादा साइकिल देखी नहीं है जो कि इस ब्रांड के सस्पेंशन फोक को यूज करती है। इसमें गाइस आपको शिमानो MT200 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं इसकी ड्राइव ट्रेन की। ये एक 1/2 ड्राइव ट्रेन के साथ आपको देखने को मिलेगी। इस साइकिल में गाइस आपको शिमानो ड्योर के 11 स्पीड का रियर डिरेलर देखने को मिलेगा। सिंस ये एक 1/2 ड्राइव ट्रेन है, इसमें आपको फ्रंट डिरेलर ना शिफ्टर्स
ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। प्लस जो इसका क्रैंक सेट है वो आपको होलोटेक क्रैंक सेट देखने को मिलेगा। ये अलग टाइप का बॉटम ब्रैकेट होता है। होलोटेक बॉटम ब्रैकेट का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है एंड इस वजह से जो आपकी साइकिल है वो हद से ज्यादा लाइट वेट बन जाती है। इस साइकिल में अगेन गाइस आपको मैक्सिस के आर्डेंट वाले टायर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 2.25 इंचेस की विड्थ देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस इस साइकिल में आपको 740mm का हैंडल बार देखने को मिलेगा प्लस इसमें 60mm की आपको स्टेम देखने को मिल जाएगी। साइकिल में गाइस आपको अगेन थ्रू एक्सल देखने को मिलेगा फ्रंट एंड रियर व्हील के ऊपर। एंड इस साइकिल का अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये 53,900 रुपीज है। इसका प्राइस इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए काफी ज्यादा कम है। इस स्पेसिफिकेशन वाली साइकिल इजीली आपको 60 से 70 हजार रुपए की देखने को मिलेगी। मेरे को यूनाइटेड ब्रांड के बारे में इतना ज्यादा श्योरिटी नहीं है बट इनकी जो स्पेसिफिकेशन ये ऑफर कर रहे हैं इस साइकिल के ऊपर वो काफी ज्यादा भाई तगड़ी है। एंड इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ इस प्राइसिंग में गाइस आपको ऐसी साइकिल नहीं देखने को मिलेगी, इस बात की गाइस गारंटी है। वेनम वाले सस्पेंशन फोक के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इस ब्रांड के बारे में मैंने इतना ज्यादा नहीं सुना है जितना एसआर संतूर के सस्पेंशन फोक्स होते हैं इस प्राइसिंग के साइकिल्स में। एंड गाइस इसका जो कैस्केट है वो 11-50 टीथ की रेंज के साथ आपको देखने को मिलेगा जो कि 11 स्पीड का होने वाला है। जो बड़ा मॉडल है जो कि 29 इंचेस के व्हील्स के साथ आता है उसका जो प्राइस है वो 300 रुपए ज्यादा है। एंड बाकी दोनों ही साइकिल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक व्हील साइज को छोड़ के। जो नेक्स्ट साइकिल है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे ये है यूनाइटेड की क्लोविस 6.10 एंड ये सिर्फ आपको 29 इंचेस के व्हील साइज के साथ देखने को मिलेगी। इस साइकिल का जो प्राइस है ये 68,000 रुपीज होने वाला है। इस साइकिल का जो फ्रेम है वो अगेन वही बाकी दोनों ही साइकिल्स की तरह सेम है। इसमें भी आपको इंटरनली रूटेड केबल्स देखने को मिलेंगी। अब हम इस साइकिल के सस्पेंशन फोक के बारे में बात करेंगे। इसका सस्पेंशन फोक इसका एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन के आता है। इसमें आपको रॉकशॉक्स का रिकॉन सिल्वर सीरीज का सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा। ये एक एयर फोक है एंड ये 100mm की ट्रैवल के साथ आपको देखने को मिलता है। ये साइकिल गाइस 1/12 फीट की ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। इसमें 12 फीट का शिमानो डियोर का रियर डेरेलर लगा हुआ है एंड जो इसकी कैसेट की रेंज है वो 11-50 टीथ की होने वाली है। इसमें गाइस आपको शिमानो के SLX वाले रियर डेरेलर के शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको MT200 वाले ही हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। इसमें गाइस आपको मैक्सिस के आर्डेंट वाले 29 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे जो कि 2.25 इंचेस के विड्थ के साथ आएंगे। एंड अगेन ये भी डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स के साथ आती है। इसमें 740mm का आपको हैंडल बार देखने मिलेगा, 60mm की स्टेम होने वाली है। ये सारी स्पेसिफिकेशन भाई तीनों ही साइकिल्स में सेम है। इसमें भी आपको थ्रू एक्सल देखने को मिलेगा एंड अगेन इस साइकिल में भी आपको होलोटेक वाला बॉटम ब्रैकेट देखने को मिलने वाला है। एंड तीनों ही साइकिल्स का जो वेट है ना उसमें जो 5.10 है एंड 6.10 है इनका वेट ऑन अ लाइटर साइड रहने वाला है। जो 3.10 है वो ट्यूबर ड्राइव ट्रेन के साथ आती है प्लस वो होलोटेक नहीं है तो उसका वेट ऑन अ हेवियर साइड रहने वाला है इन दोनों को कंपेयर करते हुए। एंड इस साइकिल का जो प्राइस है ये 68,000 रुपीज है। एंड तीनों साइकिल्स के ही जो मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं ये MRP है एंड ये सारे चूज माई बाईसाइकिल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये तीनों साइकिल्स गाइस आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी। इन तीनों ही साइकिल्स के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ये तीनों ही साइकिल्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हम वीडियो के एंड में आ गए एंड मैं अपना कंक्लूजन बताता हूँ आपको यूनाइटेड साइकिल्स के बारे में। जो यूनाइटेड साइकिल्स है इसके ब्रांड के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुन रखा है। जब भी आप 30-35 हज़ार से ऊपर की साइकिल लो आपको एक अच्छे ब्रांड पे कंसिडर करना चाहिए। ट्रैक, कैनन्डेल, मेरिडा, जायंट, पॉलीगन, स्पॉट हो गया, आपको इन ब्रांड की साइकिल्स को ही कंसिडर करना चाहिए जब आप इतना ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो। प्रीमियम साइकिल्स ये सारे ब्रांड्स ऑफर करते हैं एंड मेरे हिसाब से आपको इनकी तरफ देखना चाहिए, यूनाइटेड की तरफ भी आप देख सकते हैं। इनकी जितनी भी साइकिल्स हैं इनकी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मार्केट में इतने प्राइसिंग में इतनी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करने वाली साइकिल्स अभी तक लॉन्च नहीं है। जो 3.10 है उसे आप मरीन की बॉबकैट ट्रेल 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं बट जो बाकी दोनों साइकिल्स हैं इस प्राइसिंग के अंदर उनकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है एंड उनको आप बाकी किसी भी साइकिल के साथ कंपेयर फिलहाल तो नहीं कर पाओगे। स्टिल गाइस अगर आपको इनसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाली कोई साइकिल देखने को मिल जाए जिनकी सिमिलर प्राइसिंग है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके बारे में भी मैं इन साइकिल्स से कंपेयर करते हुए वीडियो अपने चैनल पर जरूर लेके आऊँगा। अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूंगा आपको मेरी उस वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइस मैं ऐसे साइकिल से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली में सभी के साथ मेरी वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं जो भी साइकिल में इंटरेस्टेड है। अगर आप उनके साथ मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी प्लस उनको भी एक काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा साइकिलिंग के बारे में। एंड गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलरली अपनी साइकिलिंग से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपनी साइकिलिंग से रिलेटेड पोस्ट
ऑन अ रेगुलर बेसिस अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर साइकिल से रिलेटेड डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस, अगर आपको अमेज़न से कोई भी चीज परचेज करनी है, प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ना, उसे यूज कर लेना। एंड दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं द कार्ट्रेस राइडर पंकज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस।